Experience the thrill of PSL 9 live on A-Sports. Tera vaada agar wafa hoga. Mujhe nahi chahiye kisi ka saath. Khuda ka waaste. Khuda ka waaste jaao yahan se. ससुराल में बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। एक जरा सी गलती हो जाए तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तुम इस घर में नगीन की वजह से आई हो, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और आज तक मैंने इसकी कोई बात नहीं टाली, इसलिए तुम्हें इस घर में ले आई हूँ। इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि नगीन मेरे लिए सब कुछ है। तेरा वादा अगर वफा होगा। नकीन मुझे लेके आई है। नकीन, क्या तुमने मां को मना लिया? मनाना ही था, आपसे वादा चुकिया था। नकीन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं जानती हूँ शाही, मैंने आपके लिए अपनी खुशी, अपनी जगह, सब कुछ कुर्बान किया सीमा को यहाँ लाके। लेकिन आपको मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं था कि शायद अब आपको एहसास हो जाए। सच कहूं तो आपकी आंखों में ये खुशी, ये चमक देख के मुझे रश खा रहा है सीमा की किस्मत में। ये प्यार मैं अपने लिए देखना चाहती थी शहर। खैर, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए इसे। नजरों में मुझे मोहब्बत तो दिखी, ताना तहसे मैंने कि अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ बांटना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अम्मी, शेर तो मेरे होते हुए भी कभी मेरे थे ही नहीं। शायान के साथ आई हूँ, अली ऑफिस में हूँ। तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा था मैं। अगर अली ने देख लिया तो फिर तुम पर गुस्सा करेगा। उनका गुस्सा जायज है। बिल्कुल भी नहीं सारा, तुम उसकी बीवी हो, वो बीवी जिसने अपनी वफा, अपना प्यार, अपना आप पूरी तरह से सौंप दिया उसे, तो फिर किसी किस्म की भी इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए उसे। अली इनसिक्योर नहीं है, उनका रिएक्शन बहुत नॉर्मल है। कोई भी आदमी इस सिचुएशन में होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। तुम्हें देखकर बस उलझन होती है उन्हें। किस बात की उलझन? हाँ सारा, किस बात की उलझन? तुम मान लो कि अली को मेरा वजूद खटकता है, कजन, दोस्त,
ये सब रिश्ते वो बुला देता है। अगर नहीं बुला पा रहा तो बस यही कि कभी तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ था और कभी तुम्हारी उंगली में मेरे नाम की अंगूठी भी थी। तो ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, कोई भी आदमी अली की जगह होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता। तुम बताओ, तुम अली की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं अली की जगह होता तो मुझे अपनी किस्मत पर रश करने से फुर्सत ही ना मिलती कभी साहब। किसी और से हसद करना तो बहुत दूर की बात। सारा, तुम वो लड़की हो जिससे मैंने बेहद प्यार किया है और हमेशा करता भी रहूं। मैं चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे लिए कोई परेशानी हो। बस खाला की तरफ से मुतमईन हो जाऊं तो फिर चला जाऊं। मैं ठीक हूं। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, तुम घर रुकती। आयजा या फरा में से कोई आ जाते, बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें अपना। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई इंसान अपनी मर्जी से भी सांस लेना बंद कर सकता है क्या? क्या करूं यार, तुम्हारे लिए फिक्रमंद होने की आदत सी पड़ गई है। तुम जानती हो आदत जितनी पुरानी हो उतने मुश्किल से छूटती है। खैर, अब तुम इस बहस को छोड़ो, अंदर जाकर बैठो। मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूँ तो फिर खाला को लेकर घर चलते हैं। डॉक्टर ने कह दिया घर जाने का। सर, ये शयान कितना शार्प है ना, कितना स्मार्टली हर पैमेंट में अपना हिस्सा ले रहा है। कब से कर रहा है ये सब कुछ? सर, जब से इसने ज्वाइनिंग दी ना, उसी के नेक्स्ट मंथ से ये सब एक्टिविटी कर रहा है। लेट्स सी। सेब कैसे दें? देखो तो सही, कितनी घटाई है। बंदी के अंदर कोई शरण नाम की चीज ही नहीं है भाई, इतना बड़ा क्राइम करके आया ये। अगर शर्मिंदगी होती ना तो ऐसा करते क्यों? ऐसे लोग तो कैद से डरते ही नहीं, अल्लाह के कोई खौफ खुदा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देना चाहिए। मैं तो जमानत ही क्यों इसकी, जमानत नहीं होनी चाहिए थी। कुछ देर जला के आ गया होगा, पता है कानून कैसा है आपको हमारा। बाकी अल्लाह की पकड़ जरूर होगी ऐसे लोगों की। सारा, तुम रहने दो, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ले जाऊंगा खाना को। ये ठीक कह रहा है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो खाला ने भी कह दिया है, साइड पर बैठ। आ जाए खा, ध्यान से, ये चरखी आ जाए, आ जाए, ध्यान से। सारा, तो मुझे पहले बता देती, मैं आंटी को ले जाता हूँ। अली, रेहान उस वक्त हॉस्पिटल में ही था इसलिए। तो इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं बहुत बिजी हूँगा, कहीं तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, इसीलिए फोन नहीं किया है ना? सही तो कहता हूँ, तुम वही करती हो जो तुम्हें ठीक लगता है। अली, मैंने आपकी मसरूफियत का सोच के नहीं कहा। मैं इसका कोई फायदा नहीं है सारा, मैं तुमसे कुछ भी कहूँ तुमने सुनना नहीं है। आप अंदर नहीं आएंगे? अगर आप यूं दरवाजे से अम्मी से मिले बिना चले गए तो उनको बुरा लगेगा। सारा, जिस तरह मुझ पर फर्ज है ना कि तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखूं, वैसे ही तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम जाओ अंदर आंटी के पास। आराम करें खाला, किसी किस्म की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जिस माँ का तुम जैसा बेटा, वो कैसे परेशान हो सकती है भला? मुझे बताया था शायर ने कि कैसे तुमने मेरे इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाया। कोई एहसान थोड़ी है, मैंने अपना फर्ज निभाया। तुमने तो हमेशा ही अपना फर्ज निभाया बेटा, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी कोताही हुई जो मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर बैठी।
मैं हीरे की पहचान नहीं कर पाई। जो हो गया सो हो गया, थोड़ा पुरानी बात। कैसे छोड़ दूं बेटा, मैं मौत को छूकर वापस लौटी। मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही, मैं रोजे महशर बाजी से क्या नजरें मिलाऊंगी? क्या कहूंगी कि उनके बेटे को अपनी लालच की भट्टी में झोंक दिया मैंने? मुझे माफ कर दो बेटा। प्लीज पैसे नहीं कह रहे, शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर मारे डाल रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पुरानी बातों को भूल जाने आप, जो भी होगा भूल जाए उसे। भूल जाऊंगी अगर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा तुमने मुझे माफ कर दिया। कल मैंने आपको माफ किया। जीत रहो बेटा, सदा खुश रहो। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। रेहान भाई अब जाके रहे, अब बैठिए ना प्लीज। नहीं नहीं आज मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जल्दी जाना होगा इस वजह से। ठीक है मारिया, तुम अभी तक बिलाल से नाराजगी खत्म नहीं हुई क्या? नहीं तो सारा से कहो बात करे, कन्विंस करे उसे। शुमू अलग अलग जिंदगी गुजारने का फायदा तो नहीं है। सारा बेचारी अपने मसलों में फंसी हुई है, अब मैं भी उसको अपने प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व कर लूं। सारा को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सारा में नहीं है, उसके ससुराल वालों की सोच में है। घर में जो भी मसला होता उसका कसूरवार सारा को ठहरा देते। अब शहीर भाई ने शादी की तो उसकी जिम्मेदारी सारा है। और अली, वो कुछ नहीं कहता अपनी फैमिली को जब वो ऐसे बेतुके इल्जाम लगाते हैं उस पर? जॉइंट फैमिली का यही तो मसला है, जितने लोग उतने मसले। इंसान मसले निमटाते निमटाते अपनी जिंदगी को मसला बना लेता है। इससे तो बेहतर है कि सारा की शादी तुमसे हो जाती, कम से कम उसकी जिंदगी सुकून में तो रहती। सॉरी खलीतीब से मुँह से निकल गया। It's okay. रेहान आई एम सॉरी, मैं तुम्हें भी लूजर समझती थी। तुम गलत नहीं थी, सच में लूजर ही था। सारा को लूज कर दिया मैंने। Thank you.
मैं आपको बुलाने ही वाली थी कमरे की सेटिंग दिखाने के लिए। सेटिंग में कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए सब आसान नहीं था। सैम को कबूल करना, उसे यहां लाना, लेकिन तुमने किया। तुम्हारे अंदर बहुत सब्र है निकी, तुम्हारे प्यार की इंतहा ने तो मुझे हैरानी करके रखती है। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि अपना सब कुछ पार दे। श्री, आपने भले ही सेवा से प्यार किया, कि मैंने आपसे प्यार निभाया है। अपने प्यार को पाने की जो खुशी होती है ना, उससे कई ज्यादा खुशी अपने प्यार को खुशी देने में मिलती है। अफसोस होता है मुझे खुद पर कि तुम्हें समझने में मुझसे गलती हुई है। तुमने जो किया है मेरे लिए, उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारी कदर पड़ गई है। आप बैठिए ना, मैं सीमा को भेजती हूँ। नगीन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस। अली, मुझे लगता है आंटी अब भी मुझसे नाराज हैं। जो गलती तुमसे हुई है उसको ना बुलाया जा सकता है ना माफ किया जा सकता है। अली, आपको तो सब पता है, जो हुआ महज एक इत्तेफाक था। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, और अब मैं मजीद इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसकी जवाबदेही भी तुम्हें ही होना पड़ेगा। माँ को नाराज किया है तुमने, तो मनाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निखत की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है वो। चलो, तुम्हारी बात हो तो मेरी तरफ से पूछ लेना। जी आंटी, आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हारी बदौलत जो कुछ हुआ है ना, ना तो वो माफी के काबिल है और ना ही भूलने के। आंटी, मेरी बात का यकीन करें, मैंने सीमा और शहीद भाई का निकाह नहीं करवाया। मैं इत्तेफाकन उनसे हॉस्पिटल में मिली थी। हाँ, गलती मुझसे ये हुई है कि मैंने आके आपको और अली को नहीं बताया। आप चाहे तो सीमा से पूछ लें। मुझे किसी की भी गवाही की जरूरत नहीं है। जो तुम लोगों ने करना था ना, वो कर लिया। मैंने सिर्फ नगीन की खातिर इसे इस घर में आने की इजाजत दी है। लेकिन ये याद रहे कि जो रास्ता इस घर में आता है ना, वो बाहर भी जाता है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे, ये औलाद की खुशी देने के बाद वो रास्ता बंद भी हो जाता है। भाभी, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? जब मेरी किस्मत ने ही मुझे धोखा दे दिया, तो मैं किसी और पे क्या यकीन करूं? खैर, तुम परेशान मत हो। शायद मैंने जज्बातीपन में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। भाभी, आपका दिल बहुत बड़ा है, तभी तो आप इतनी जल्दी माफ कर देती हैं। थैंक यू। माफ तो मैं किसी को नहीं करूंगी। जिसने मेरे साथ ज्यादती की है, उसका हिसाब लिए बगैर तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। सर, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने फर्म को धोखा दिया है। फर्म के अकाउंट से अच्छा खासा अमाउंट तुमने चुराया है। हेलो, ओ, तो सारा तुम्हारे साथ ही है ना? तेरा वादा अगर वफा होगा।
क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? मुझे बिलाल से ये उम्मीद नहीं थी शहीद। उसने एक मैसेज भी करना जरूरी नहीं समझा। छोड़ो उसे, तुम्हें उसके बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो मेरा भाई है शहीद। कोई लड़की अपने घर से ऐसे रुखसत नहीं हुई होगी जैसे मैं हूं। मैं ना किसी दुआ की, क्या ही हो जाता कि अगर वो सारी नाराजगी भुला के एक बार भाइयों की तरह मेरे सर पे हाथ रख देता, कह देता कि सदा सुखी रहो। मामा पापा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो है ना। मामा पापा की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन भाई की कमी तो ना होने देता। कितनी झटाई है, बंदी के अंदर कोई शरण नाम की चीज ही नहीं है भाई। अगर शर्मिंदगी होती ना तो ऐसा करते क्यों? ऐसे लोग तो कैद से डरते ही नहीं अल्लाह के, कोई खौफ खुदा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देना चाहिए। हेलो बिलाल, बिलाल तुम ठीक हो? मेरी अभी आंख लगी थी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है तुम्हारे लिए। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा ख्वाब हकीकत में बदल जाता मारी अगर तुम फोन ना करती। क्या मतलब, क्या कह रहे हो बिलाल? मैं नींद की गोलियां खाने लगा था, दिल नहीं चाह रहा मेरा जीने का, लेकिन क्या करूं, डरता हूं कि अल्लाह कैसे जवाब दूंगा। मैंने जो कुछ किया अच्छा बुरा, रिश्वत लेना, सैम के साथ बुरा सलूक। बिलाल बिलाल मेरी बात सुनो, तुमने सैम के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। अरे किया है, बुरा किया है। उन्होंने जो कुछ किया अच्छा बुरा, लेकिन लेकिन मुझे उनके साथ अपना रवैया नहीं बदलना चाहिए। नफरत करते करते इतना आगे बढ़ गया कि मुझे अच्छे बुरे किसी की पहचान नहीं रही। बिलाल तसल्ली से मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त बहुत जज्बाती हो के सोच रहे हो। तो क्यों ना हो जज्बाती, क्यों ना हो जज्बाती। मैं जिस किस्मत ने मुझे जो ठोकर मारी है ना, उससे अकल ठिकाने आ गई है मेरी। बहुत कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। कम से कम सैम को तो ढंग से रुख्सत कर देते। वो भी क्या सोच रहे होंगे, उन्होंने मेरी शादी में कैसे तैयारियां की थी तुम्हें याद है ना। इतना खुश थी। और एक मैं हूँ जो अपनी नफरत की दीवार ही नहीं तोड़ सका। मैं ना अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा शौहर। बिलाल तुम बहुत अच्छे शौहर हो, तुमने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, ऐसे मत बोलो। नहीं मारिया, मैं अगर अच्छा शौहर होता ना तो बीवी का ख्याल रखने के साथ साथ मैं हलाल हराम का भी ख्याल रखता। मैं अच्छा शौहर होता ना तो आज इस मकाम पर खड़ा ना होता, जहाँ जिंदगी बोझ लग रही है मुझे। बिलाल मुझे अपने पास आने दो, इस तरह तुम अकेले रहोगे तो बहुत डिप्रेस हो जाओगे। नहीं मारिया, अगर तुम आई ना तो शायद मैं खुद तक पहुँचने वाले सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बिलाल बिलाल मेरी बात सुनो, बिलाल क्या हुआ है मारिया? अम्मी बिलाल मर जाएगा, वो अगर अकेला रहेगा ना तो वो मर जाएगा। हाँ ऑल बोल रही हो तुम? मैं ऑल नहीं बोल रही हूँ, उसने अभी खुद मुझे फोन पे बताया कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था। ये मैंने क्या कर दिया अम्मी, मेरी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटा खुद को संभालो, ऐसे रोने से क्या होगा। तो और क्या करूं, अपने पास वो मुझे रहने दे नहीं रहा, सैम भी घर छोड़ के चली गई है। आप सारे से बात करी ना कि वो सैम से बात करे, अब तो वो उसी घर में रहती है। तुम क्या कह रही हो मारिया, वो वहां क्यों रहेगी, तुम अपने हवास में तो हो।
अम्मी शहीर भाई की दूसरी बीवी सैम ही तो है। क्या? हाँ, और नगीन भाभी उसे अपने साथ अपने ससुराल ले गई है, वो वहीं रहेगी अब। सारा से कहना कि सैम से बात करे, वो मनाए बिलाल को, समझाए उसे कि वो मुझे अपने साथ रहने दे। मैं बात करे ना सारा से। बिलाल मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा बच्चू। क्या बात है, कुछ बात क्यों नहीं कर रहे आप? सारा रास्ता खामोश रहे हैं। क्या बात करूं? आपकी नाराजगी कब खत्म होगी? नाराज नहीं, असुल जाओ मार दो ना, क्या करूं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, और ना ही इतना जर्फ के रेहान को कबूल कर सकूं। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में रेहान के हवाले से कोई बात नहीं, और यह भी पता है कि रेहान के दिल में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं। उसे देखता हूं तो होती है मुझे उलझन, नहीं काबू रख सकता मैं अपनी उलझन पर, क्या करूं? इस मामले में भी उतना ही बेबस हूं जितना रेहान है। क्या हो गया है आपको? क्यों बार बार उसका जिक्र ले आते हैं? क्या हमारे दरमियान और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? आपने तो मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा। ये भी नहीं पता आपको कि मैं पिछले दिनों कितने स्ट्रेस से गुजरी हूँ। आंटी की नाराजगी, भाभी की बदगुमानी और फिर आपका गुस्सा, ये सब परेशानियां झेलते झेलते मुझे अपना आप कमजोर लगने लगा। हली किसी भी लड़की की ताकत उसके शोहर का प्यार होता, और जब वही प्यार शोहर के गुस्से या बदगुमानी की वजह से मान पड़ जाए तो जिंदगी बेमाने लगने लगती है। हली मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपके प्यार की आदत हो गई है, मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं कब नाराज हूँ तुमसे? तुम भी तो गलतियों पे गलतियां करती रहती हो। दोबारा मैं कभी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी अली। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं भी तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। अम्मी मेरी जॉब हो गई है, इंटरव्यू जैसी फॉर्मेलिटीज की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जॉइनिंग दे सकते हैं। मेरी एक कोलीग है, उनके रेफरेंस से हुई है। कोई जरूरत नहीं तुम्हें जॉब करने की। क्या हो गया शाया, ऐसे घर के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे? मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगा, मैं ओवर टाइम कर लूंगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं दूसरी जॉब भी कर लूंगा, लेकिन तुम पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकता मैं। चलो शुक्र तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ। मम्मी जब तक सहारे के लिए बेसाखियाँ हों तब तक एहसास नहीं होता। वो तो शुक्र है कि सारा ने हाथ खींच दिया, वरना मैं तो पूरी जिंदगी लापरवाही में गुजार देता। ऐसे क्या हैरान हो रही हैं अम्मी? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा किया। पैसे कमाने के लालच में मैंने क्या नहीं किया, मैंने चोरियाँ की, मैं जो गलत कर सकता था मैंने किया अम्मी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अम्मी उस दिन जब मैंने आपको हॉस्पिटल की बेड पे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो आपकी जगह हो सकता था। अंधा ना करे तो मैं कुछ होश है यार। अम्मी दुआएं तब तक साथ देती हैं जब तक कुदरत ने सांस से लिखी है, जब वक्त पूरा हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि मेरे अस्पताल जाने से मेरा बेटा इतना समझदार हो जाएगा तो मैं बहुत पहले ही चली गई होती। अम्मी किस तरह की बातें कह रही हैं? अच्छा चलें मैं वापस जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? जिस माँ की जवान बेटी यूं घर आकर बैठ गई हूँ वो कैसी हो सकती है? बेटा तुम्हारिया सारी रात रोती रही है और पता नहीं बिलाल क्या सोचे बैठा है। बेचारी मारिया तो उसकी जान को लेकर भी बहुत फिक्रमंद हो रही है। ऐसा नहीं अम्मी, बिलाल डिप्रेशन के फेज से जरूर गुजर रहा है लेकिन ऐसी बेवकूफी हरगिज नहीं कर सकता वो। बेटा अगर इंसान के पास कोई समझाने वाला ना हो तो वो किसी भी तरह की बेवकूफी कर सकता है। बिलाल तो अपनी जान ही गवा देता अगर अल्लाह का करम ना होता तो। क्या क्या कह रही हैं आप? मारिया बता रही थी कि सैम तो अब तुम्हारी तरफ होती है ना, तुम बात करो उससे, आखिर वो बहन है, उससे कहो कि बिलाल को समझाए कि मारिया को वापस घर ले आए। मैं बात करती हूँ अम्मी, आप मारिया से कहें परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी सर, आपने बुलाया, कोई काम था? तुम्हें मैंने अपनी जमानत पर रखवाया था, जानते हो तुम्हारी वजह से मैं कितना शर्मिंदा हूँ बॉस के सामने, सारी रेपुटेशन खराब कर दी तुमने। सर ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने फर्म को धोखा दिया है, फर्म के अकाउंट से अच्छा खासा अमाउंट तुमने चुराया है। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर। नहीं 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 सर, नहीं सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर, पुलिस को मत बुलाइएगा सर। सर मैं बदल चुका हूँ सर, सर मैं दिल से तौबा कर चुका हूँ सर, जो आप कह रहे हैं ना वो सच है, है। लेकिन ये भी सच है सर कि मैं बदल चुका हूँ सर, आप जिसकी कसम कहेंगे मैं खाने को सर, ये मेरे जुड़े हुए हाथ एक है सर, सर मुझे पुलिस के हवाले मत करे सर, मेरी मेरी अम्बी का बाईपास हुआ है सर, सर वो एक और सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी सर, प्लीज। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सर आपको खुदा का वास्ता है, मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए सर, प्लीज प्लीज सर। अच्छा ठीक है, मैं अली की वजह से तुम्हें इतनी रियायत दे सकता हूँ कि जितनी तुमने रकम फर्म से ली है वो तुम्हें लौटानी होगी। सर मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा सर? ये सोचना तुम्हारा काम है। इस वीक 3 लाख रुपए तुमने फर्म में डिपॉजिट करवाने हैं, नहीं तो अगले हफ्ते तुम्हारे घर पुलिस पहुंच जाएगी। यू मे गो नाउ। सर मेरी बात सुने, जाओ यहां से। बिलाल के लिए अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा बस से कोई ताल्लुक नहीं है सर, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम्हारी बहन और बिलाल की बेवकूफी थी। उसकी बहन होने के नाते मैंने उसकी बेल तो करवा दी है लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मारिया की बात नहीं सुन रहा। तो तुम अपनी बहन की वकालत करने के लिए आई हो? मैं अपनी बहन के लिए नहीं, आपके भाई के लिए आई। रिश्ते ऐसे नहीं टूट जाते, अगर लिहाज ना रहे तो बाकी भी नहीं रहे। मारिया ने जो कुछ भी मेरे साथ किया अब पलट के वो सब उससे खुद फेस करना पड़ रहा है। मुझे घर से निकलवाना चाहती थी, कुदरत का इंसाफ देखो, अब बिलाल के हाथों खुद घर से निकलवाई गई है। तुम्हें मुझे समझाने की बजाय मारिया को तसल्ली देनी चाहिए, उसे कहो कि दुआ करें कि शायद दुआओं से उसकी किस्मत में लिखी हुई सख्तियां खत्म हो जाए। मैं उसके लिए बिलाल से कोई बात नहीं कर सकती। पता नहीं हम इंसान इतने अजीब क्यों होते हैं, पहले अपनी अना और नफरत में रिश्तों को भुला देते हैं और फिर खुदा ना खास्ता उन अपनों को कुछ हो जाए तो उनके गम में सारी जिंदगी खुद को भुला देते हैं। हम जिंदा रहते हुए क्यों नहीं अपनी अना और नफरत को मार सकते? क्यों इंसान के मरने का इंतजार करते हैं? क्या हो गया सारा, बिना सोचे समझे कुछ भी बोली जा रही? अल्लाह ना करे बिलाल को कुछ भी हो। दुआओं के साथ कोशिश भी करनी पड़ती है। बिलाल ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या, कब? उसने मारिया को बताया है फोन पे, उसने खुद कबूल किया है कि वो ऐसी बेवकूफी करने वाला था। वो तो शुक्र है हैंड टाइम पे उसे अकल आ गई, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। आप खुद सोचें आपके लिए क्या ज्यादा अहम है, आपकी अना और नफरत या आपका भाई? अली,
इतनी जल्दी आ गए, सब ठीक तो है? कुछ अंदाजा है तुम्हें कितनी इंसल्ट हुई है आज मेरी शायान की वजह से? क्या किया उसने? मैनेजर की कॉल आई थी, वो अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आया, फिर से चोरी करता पकड़ा गया है वो। मैनेजर ने उसे फायर कर दिया है, हालांकि मेरी जमानत पर उसे वहां रखा गया था। जरा सा भी एहसास नहीं हुआ उसे, शर्म नहीं आई कि मेरी कितनी इंसल्ट होगी? क्या सोचता होगा वो मैनेजर कि मेरा साला पैसों की चोरी करते पकड़ा गया है? मैं अभी जाके उससे पूछ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी बात से वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेवकूफ था और बेवकूफियां करता रहेगा। अरे यार, ये सब कुछ करने से पहले उसने जरा नहीं सोचा कि कितनी बेइज्जती होगी? वो अपनी बेवकूफियों से यूं गंध पे गंध फैलाता रहेगा और हम उसे समेटते रहेंगे। आंटी अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई, उन्हें ये बात पता चलेगी तो क्या बीतेगी उन पर? बारह 3 लाख रुपए मांगे फर्म ने, जो उसे पहली फुर्सत में जमा कराने होंगे, और इस बार तुम या मैं इस मामले में नहीं पड़ेंगे। और अगर उसने पैसे जमा नहीं कराए तो पुलिस उसके घर आएगी, उसको अरेस्ट करेगी, और अच्छा होगा इस बार, शायान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, वरना वो अपनी गलतियों का कभी एहसास नहीं कर पाएगा। क्या हुआ है शायान, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या बात है शायान, कुछ बोलते क्यों नहीं, बताएं तो सही क्या हुआ है? तुम समझते क्या हो खुद को, हमें सुकून से क्यों नहीं रहने देते हो तुम? क्या हो गया सारा, यूं आते ही भाई पर क्यों चढ़ पड़ी हो? अम्मी इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अली ने अपने दोस्त की फर्म में इसको जॉब दिलवाई थी और ये वहां भी चोरी करने से बाज नहीं आया। तुम्हें अंदाजा भी है अली को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? मुझे समझ नहीं आता तुम सुधर क्यों नहीं जाते हो। सारा, वो सब पहले की बातें थी, मैं वाकई बदल चुका हूँ दिल से। झूठ शायान, तुम सर से लेकर पैर तक सिर्फ झूठ हो। तुम में ना जरा सी भी सच्चाई है, ना पास दिल है जिसमें खौफे खुदा हो। आज तुम्हारी वजह से मैं दूसरी बार अली के सामने शर्मिंदा हुई हूँ। क्या सोचते होंगे वो, किन चोरों चकों में शादी कर ली उन्होंने? पहले साला डकैती करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद फर्म से पैसे चुराते हुए ढा लिया गया। शायान भाई, तुम बहनों का मान होते हैं, लेकिन तुमने तो मेरा ही भरम खिंची खिंची करके रख दिया है। मेरा दिल कर रहा है जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं बदल चुका हूं सारा, तुम मानो ना मानो, अब मैं सिर्फ हक हलाल की कमाई खाना चाहता हूं। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं, तुमने जो करना था ना वो तुमने कर लिया, अब मुझे जो शर्मिंदगी उठानी है ना वो मैं उठा लूंगी, क्योंकि मेरा कसूर ये है कि मेरे भाई तुम हो। मम्मी मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर लफ्ज तुम्हारी तरह झूठा है। तुम्हें इतनी सी भी शर्म होती ना शायान, तो तुम इस वक्त चुल्लू भर पानी में डूब पड़े। सारा, सारा क्या हुआ तू? आजा 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 आजा। बेकार में मैंने सारा पे गुस्सा कर दिया। इस मामले में तो उसका कोई कसूर ही नहीं था। कितना अपसेट हो गई होगी वो। सारा, सारा स्टे विद मी। सारा, सारा
तो सारा तुम्हारे साथ ही है ना? अली, सारा की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल जा रहे हो? मुझे जल्दी बताओ, मैं वहां आ रहा हूँ। सारा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से जान जा। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.